पाकिस्तान ने पाक पतन और कसूर से नून लीग और पीपी की अहम विकटें गिरा दी। दूसरी जमातों के सियासी रहनुमाओं का तहरीक इंसाफ पर एतमाद के इजहार का सिलसिला जारी है। कसूर से बड़ा सियासी नाम पीटीआई में शामिल, जबकि पाक पतन से नून लीग की अहम विकेट भी उड़ गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से पाक पतन के नून लीगी मेंबर कौमी असेंबली सरदार मुनसिफ अली डोगर और कसूर से नामवर खातून सियासी रहनुमा नासरा मियो ने मुलाकात की। सरदार मुनसिफ अली डोगर और नासरा मियो ने इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान कर दिया। मोहतरमा नासरा मियो माजी में पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रही, अब आजाद हैसियत में कसूर की सियासत का एक कद और नाम है। दोनों रहनुमाओं ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान की क़यादत और तहरीक इंसाफ के मंशूर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वाज़े रहे कि सरदार मुनसिफ अली डोगर मुस्लिम लीग नून से दो मरतबा रुकन कौमी असेंबली और दो मरतबा रुकन सूबाई असेंबली मुंतखब हुए हैं। सरदार मुनसिफ अली डोगर 30 साल से मुस्लिम लीग नून में शामिल थे। मुस्लिम लीग नून ने सरदार मुनसिफ अली डोगर की तमाम कुर्बानियों को नजरअंदाज करके 2018 में टिकट वापस लिया था। तहरीक इंसाफ ने सरदार मुनसिफ अली डोगर को पीपी 191 से सूबाई असेंबली का टिकट देने की यकीन दहानी कराई है। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा। जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारीवार, सच की आवाज, सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश, जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेड़ चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ क्या जुल्म है, बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।